दोस्तों WhatsApp में आपने इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर का तो फीचर सुना ही होगा और ये काफ़ी समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए यूज़ कर पा रहा था क्योंकि मैं WhatsApp का बीटा वर्जन यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं इस फीचर को यूज़ कर रहा था। अब फिलहाल दोस्तों ये जो फीचर है वो स्टेबल रोल आउट होने लगा है और सभी लोगों को ये फीचर मिल चुका होगा। और अगर आपको अभी भी नहीं मिला है तो मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वो फॉलो करना, आप देख सकते हो वहाँ पे। अगर आपको ये नहीं मिला है तो जा करके अपडेट कर लेना, आपको ये फीचर मिल जाएगा। और इसमें खैर खास ऐसा कुछ है नहीं बताने को, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप इस फीचर को कैसे इनेबल कर सकते हो और इसका कैसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ राइट में आपकी स्क्रीन चल रही होगी और आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको WhatsApp में जाना है। WhatsApp में जाने के बाद आपको ट्रिपल डॉट्स पे जाना है, तीन डॉट्स देखने को मिलेंगे, उस पर आपको क्लिक करना है। नीचे सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद आपको प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाएंगे तो आपको सबसे एंड में जाना है और एंड में आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जा करके आप इसको इनेबल कर सकते हैं। आप इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 1 मिनट पर ही रखें और ये बाई डिफ़ॉल्ट उसी पर रहता है और उसी पर रखें वो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज आप इमिडिएटली उसको ऑफ़ करेंगे तो इमिडिएटली वो WhatsApp जो स्क्रीन है वो भी ऑफ हो जाएगी, मतलब लॉक हो जाएगा। तो इमिडिएटली हटा करके 1 मिनट कर दें क्योंकि आप कंटिन्यूसली चैट कर रहे होंगे, जैसे ही आप बंद करेंगे तो वैसे ही वो बंद हो जाएगा। तो बार बार थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट के गैप पे आप रखते हैं तो थोड़ा सा एनॉइंग नहीं लगेगा। तो ये दोस्तों बस सिंपल सा फीचर था जो कि आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपने अपडेट नहीं किया, आपके फ़ोन में आपके WhatsApp में ये अवेलेबल नहीं है, तो आप जाकर के अपडेट कर लो, आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों बस ये छोटी सी वीडियो थी जो कि आपको इन्फॉर्म करनी थी कि आप ये फीचर यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छा फीचर है। बाई डिफ़ॉल्ट आपको अगर फ़ोन में आपके एक्स्ट्रा कोई भी ऐप नहीं है जिसे आप लॉक करते हो तो इसको डायरेक्टली यूज़ करके आप अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकते हो। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे रेड कलर वाला बटन जरूर से दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।